उद्धव सरकार ने फिर एक सेल्फ गोल किया है। पालघर लिंचिंग, कंगना और रिपब्लिक टीवी से पंगा लेकर अघाड़ी सरकार वैसे ही बैकफुट पर थी। अब एक घोटालेबाज की मदद करने वाले अधिकारी को पुणे का नया पुलिस कमिश्नर बनाकर एक और मुसीबत को जन्म दे दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पहले से ही विवादों में हैं। अब महाराष्ट्र की शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार ने आईपीएस अधिकारी अमिताभ गुप्ता को पुणे का पुलिस कमिश्नर बनाकर एक और विवाद को न्योता दिया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ गुप्ता पर 8 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन में घोटाले के आरोपित कपिल वाधवान, धीरज वाधवान के साथ पूरे परिवार को यात्रा परमिट प्रदान करके एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करने का आरोप लगाया गया था। इससे पहले वो महाराष्ट्र गृह विभाग के प्रमुख सचिव थे। लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटरों कपिल वाधवान, धीरज वाधवान सहित पूरे परिवार पर केस दर्ज होने के साथ ही उन्हें हिरासत में भी लिया गया था। अमिताभ गुप्ता द्वारा वाधवान परिवार को मंजूरी देने वाला पत्र भी सामने आया था, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग के विशेष सचिव और एडिशनल डीजीपी अमिताभ गुप्ता ने अपने आधिकारिक पत्र पर वाधवा परिवार के सदस्यों को अपना फैमिली फ्रेंड बताया था। वाधवान ने महाराष्ट्र के प्रधान सचिव गृह विभाग अमिताभ गुप्ता से फैमिली इमरजेंसी का हवाला देते हुए खंडाला से महाबलेश्वर तक की यात्रा करने के लिए विशेष पास लिया था। आईपीएस अधिकारी ने उनके परिवार के 22 अन्य सदस्यों, दोस्तों के 5 कारों में जाने के लिए मंजूरी दी थी। अमिताभ गुप्ता ने वाधवान परिवार के लिए जारी पास में लिखा था, निम्नलिखित व्यक्तियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि वे मेरे पारिवारिक मित्र हैं और परिवार में इमरजेंसी के कारण वो पुणे के खंडाला से सतारा के महाबलेश्वर तक की यात्रा कर रहे हैं, इन्हें गंतव्य तक पहुंचाने में सहयोग किया जाए। इस पत्र में वाधवान परिवार के 5 वाहनों की डिटेल भी दी गई थी। वाधवान परिवार 9 अप्रैल की सुबह महाबलेश्वर पहुंचे थे। उन्होंने ये यात्रा फैमिली इमरजेंसी की आड़ में की थी। स्थानीय लोगों को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने प्रशासन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद तहसीलदार ने फार्म हाउस में रहने के दौरान ही उनके खिलाफ कार्रवाई की। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारी शर्मिंदगी झेलने के बाद गृह विभाग के विशेष सचिव और एडिशनल डीजीपी अमिताभ गुप्ता को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया गया था। DHFL के CMD कपिल वाधवान और धीरज वाधवान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच चल रही है। कपिल वाधवान को ED ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन अभी वो जमानत पर हैं। DHFL ने शेल कंपनियों को लोन एडवांस देने और दूसरे गलत तरीकों से सार्वजनिक पैसों का अपने लिए इस्तेमाल किया। आरोप ये भी है कि DHFL के प्रमोटरों ने संदिग्ध कंपनियों के जरिए पैसा जमा किया और इसे विदेश संपत्ति हासिल करने के लिए भारत के बाहर भेज दिया। वहीं यस बैंक फर्जीवाड़े मामले में राणा कपूर के खिलाफ जांच चल रही है। इसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दायरे में अब वाधवान बंधु भी ED और CBI के रडार पर हैं। पर सवाल यही उठता है कि इतने बड़े स्कैम के बाद क्या अमिताभ गुप्ता पुणे के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में स्वीकार किए जाएंगे? जनता का उन पर पूर्ण विश्वास बन पाएगा या फिर से यही काम दोबारा हो सकता है? हैरानी की बात यह है कि जो पुलिस अधिकारी आधिकारिक रूप से ये मान रहा है कि वो वाधवान परिवार को निजी तौर पर जानता है और लॉकडाउन के दौरान उन्हें पिकनिक मनाने के लिए VIP पास जारी करता है, ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उद्धव ठाकरे इनाम क्यों दे रहे हैं? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।